आज मैं बनाने जा रही हूँ कुर्थी की दाल, जो बिहार में बहुत इसका होता है। अब तो नहीं होता, इसको मैं मार्केट से खरीद के लाई हूँ 1 किलो, और घर में कढ़ाई गरम करके और मैं भूनी हूँ, और फिर सिलबट्टे पे इसका दाल बनाई हूँ। और ये कुर्थी का दाल जो बनाऊंगी आज मैं, ये पथरी में दवाई का काम करता है। डॉक्टर के पास भी जाओगे तो आपको बोलेगा कुर्थी का दाल खाएं, तो कुर्थी का दाल खाने से और भुना हुआ खाने से ये पथरी का बीमारी जो है सो पथरी को गला देता है, और ये दवाई का काम करता है पथरी वाले बीमारी के लोगों के लिए। जिसके पेट में पथरी रहता है उसको ये गलाता है। और मैं 200 से 250 ग्राम में दाल ली हूँ कुर्थी का, और आज मैं बनाने जा रही हूँ कुर्थी के दाल। और इसमें बहुत सारा लहसुन भी डालना होता है, और ये मैंने कूट करके लहसुन रख ली हूँ ढेर सारा ये, और ये मैं डाल दूंगी इसके अंदर कुकर के अंदर। और इसका दाल जो है से बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होता है। और इसमें मिर्ची पाउडर भी डालना है, मिर्ची पाउडर जरूर डालें, इसी से ज़्यादा टेस्ट बनता है। और मैं 1 चम्मच से 1.5 चम्मच तक के मैंने इसमें मिर्ची पाउडर डाल दी हूँ। और ये दाल काली होती है, और हल्दी डालोगे तो उतना दिखेगा नहीं, इसमें काला काला ही रहेगा, कम दिखेगा हल्दी। और मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच मैं हल्दी पाउडर भी डाल दी हूँ, और थोड़ी सी मैं धनिया पाउडर भी डालूंगी। और इसका दाल बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनता है। 1 चम्मच भर मैं धनिया पाउडर डाल दी हूँ, और स्वाद अनुसार नमक मैं डालूंगी। और इसमें मैं थोड़ी सी घर की दाल डालूंगी जो मैं मार्केट से खरीद के लाई हूँ, अरहर और मसूर, क्योंकि ये दाल जो ऐसे गांव में बिहार में माड़, जो चावल का माड़ होता है ना, वो बनने के बाद डालते हैं, लेकिन हम डालेंगे नहीं क्योंकि आजकल के बच्चे कोई खाएगा नहीं। इसलिए मैं ये घर का मसूर और अरहर का दाल थोड़ी सी धुल के मैं डालूंगी इसमें, ताकि मेरा दाल जो ऐसे देखने में अच्छा लगे। वैसे अच्छा तो वो भी लगता है देखने में, पर बच्चों को पता नहीं पसंद है कि नहीं है, पर मेरे को तो बहुत पसंद है। ऐसे एक बार बनाई थी, ये लोग बहुत छोटा था, इतना दाल मैं अरहर और मसूर की डाल दी हूँ, और इसमें नाप करके पानी डालूंगी मैं। सारा मसाला मैं डाल दी हूँ, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर और लहसुन। और बनने के बाद मैं इसमें डालूंगी, बनने के बाद मैं जीरा मिर्ची और ढेर सारा लहसुन का तड़का लगाए, उससे ज़्यादा टेस्टी बनता है। और ये मैं नाप करके गिलास से पानी डाल रही हूँ। थोड़ी सी और पानी में डालूंगी, 4 गिलास में डाली, 4.5 गिलास, ये 5वां गिलास है मेरा। और थोड़ी सी ये लहसुन वाला पानी है जो मैं इसमें डाल दी। मैं इसका ढक्कन लगाऊंगी कुकर के, और लहसुन कुछ ज्यादा ही डाले इसमें, लहसुन से ज्यादा टेस्टी बनता है ये। पानी में थोड़ा सा और डालूंगी क्योंकि इसमें पकेगा बढ़िया से, सीझेगा तब टेस्टी लगेगा खाने में, इसलिए मैंने 6 गिलास पानी, 6.5 गिलास के करीब पानी में डाल दी हूँ। अब मैं लगाऊंगी ढक्कन, अब मैं गैस को जला लेती हूँ। गैस को मैंने जला दिया है, अब मैं करूंगी ढक्कन बंद इसका। ये दाल आप बना करके खा करके ट्राई करें एक बार कि कैसा लगता है। और ये दाल बनने के बाद भी मैं इसका वीडियो दिखाऊंगी आपको। ये दाल बड़ा ही, मुझे तो बहुत पसंद है इसका दाल, और हमारे सबका मकर संक्रांति में ये दाल का खिचड़ी जरूर बनता है, लेकिन अब तो उतना होता नहीं है, लेकिन मुझे सदर में एक जगह मिला था तो मैं 1 किलो खरीद के लाई हूँ। अब मैं कुकर का ढक्कन बंद कर दी हूँ और गैस भी ऑन कर दी हूँ, और ये 3 से 4 सीटी में बन के तैयार हो जाएगा।
और बनने के बाद लहसुन, ढेर सारा लहसुन और मिर्ची और जीरा का तड़का लगाए, और फिर मैं जब बन जाएगा तब मैं इसका वीडियो दिखाऊंगी सर्व करने के बाद, सर्व करूंगी तब। और मेरा ये दाल, कुर्थी के दाल का रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन का बटन जरूर दबाना। अब मेरा कुर्थी का दाल बन करके रेडी हो गया, मैं खोल करके दिखाऊंगी। और मैं इधर अपना जो है डब्बू गरम होने के लिए दी हूँ चूल्हे पे, और मैं ढेर सारा लहसुन कट करके रख ली हूँ, 7 से 10 कली तक, 10 कली तक मेरा लहसुन है। और मैं 3 लाल मिर्च सूखी तोड़ करके रख ली हूँ, और 1 चम्मच भर मैं जीरा डालूंगी और तेल, और तड़का लगाऊंगी दाल में। मैं तेल डाल रही हूँ, तेल डाल दी मैं, और मैं ये कुकर का ढक्कन खोलती हूँ तड़का लगाने के लिए। थोड़ी सी जीरा डालूंगी, मेरा तेल गरम हो चुका है, मैं जीरा डालने जा रही हूँ। मैं जीरा डाल दी, और मैं इसमें डालूंगी लहसुन, मेरा जीरा चटक चुका है और ढेर सारा ही लहसुन डाल दें इसमें। मेरा लहसुन भी जम चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी लाल सूखी मिर्च। मैं इसको चला दूंगी थोड़ा सा इस तरीके से, ताकि मेरा मिर्ची भी जल जाए। डब्बू मेरा छोटा है इसलिए तेल गिरने लगता है, तेल डालती हूँ तब, लहसुन डालने के बाद खोलता है ना, उबाल मारता है तब तो गिरने लगता है तेल। ये मैं लहसुन तो मेरा जल चुका, और जीरा भी थोड़ी ये जल जाए मिर्ची मेरा, तब मैं तड़का में लगाऊं दाल में। अभी मेरा मिर्ची भी जल चुका है, मैं गैस को बंद कर दी, मेरा तेल इसमें भी गिरा था थोड़ा सा, मैं इसमें डाल लेती हूँ और मैं तड़का लगा रही हूँ दाल के अंदर। मैं कुर्थी की दाल में तड़का लगा दी हूँ, और ये मेरा कुर्थी का दाल जो है से बन के रेडी हो चुका है। अब ये देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। मैं ढक्कन इधर हटा देती हूँ, ये देखो मेरा दाल कितना सुंदर लग रहा है देखने में। ये देखो, ये देखो इसी तरीके का दाल है ये, कुर्थी का दाल मेरा बन करके रेडी हो चुका है, और खाने में भी बड़ा टेस्टी और स्वादिष्ट होता है। ये देखो, ये देखो बन चुका है, और मैं इसको ढक्कन लगा दूंगी। मेरा दाल बंद करूंगी, लगा दी हूँ गैस तो मेरा बंद है।